नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। अब उनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं सनातन धर्म में आ गया हूँ, अब यहीं रहूंगा और यहीं मरूंगा। इसी बीच सवाल उठते हैं कि जब भी कोई इंसान धर्म बदलता है तो कौन कौन से रीति रिवाज अपनाए जाते हैं। इसके अलावा धर्म बदलने की ऐसी कौन सी कानूनी प्रक्रिया होती है जिसे करना होता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कैसे धर्म बदला जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर कानून में क्या प्रावधान हैं। यूं तो धर्म बदलने के दो तरीके हैं, एक तो कानूनी तौर पर और दूसरा धार्मिक स्थल पर जाकर धर्म बदलना। विधि विशेषज्ञों की माने तो धर्म बदलने के लिए सबसे पहले एफिडेविट बनवाना होता है और इसके बाद किसी अखबार में इसकी सूचना दी जाती है। इसके लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट में जाकर गजट नोटिफिकेशन भी कराना होता है। जानकारों का मानना है कि इस पूरे प्रोसेस में करीब 60 दिन का समय लगता है। गजट नोटिफिकेशन में नाम आते ही यह प्रक्रिया पूरी समझी जाती है। इस तरह से कानूनी प्रक्रिया अपनाकर कोई भी अपना धर्म आसानी से बदल सकता है। इसके अलावा धार्मिक स्थल पर जाकर भी धर्म बदला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाकर धर्म बदल सकता है। मंदिर का पुजारी धर्म बदलने वाले का शुद्धिकरण करके उसे हिंदू बना सकते हैं। आर्य समाज के मंदिरों में इस तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। इसके लिए पूजा पाठ और अन्य दूसरे नियमों की पालना करते हुए कोई भी हिंदू धर्म में शामिल हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि धर्म परिवर्तन केवल भारत में ही होता है, कई अन्य देशों में भी धर्म परिवर्तन होते रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर कई बार विवाद भी उठे हैं। धर्म परिवर्तन के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं। वहीं कानून की बात करें तो यहाँ पर हर इंसान को धर्म परिवर्तन की छूट है। हमारे देश में ना तो किसी धर्म को संरक्षित किया जाता है और ना ही किसी धर्म को अपमानित किया जाता है। देश में धर्म परिवर्तन को लेकर कानून कहता है कि कोई भी अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन किसी को भी डरा धमका कर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। कानून के जानकारों के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन की मंजूरी को लेकर केंद्र स्तर पर हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं। साल 1954 में भारतीय धर्म परिवर्तन विनियमन और पंजीकरण बिल को पारित करने के लिए कोशिश हुई, लेकिन ये बिल संसद में पास ना हो सका। हालांकि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ कानून जरूर बनाए गए। झारखंड की बात करें तो इस राज्य में भी एक धर्म परिवर्तन विरोधी बिल का प्रस्ताव दिया गया। इधर लोकसभा में मंगलवार को धर्मांतरण के मुद्दे की गूंज रही। बीजेपी के दो सांसदों ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि दूसरा धर्म अपनाने वालों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।